चरकी दादरी में दक्षिण हरियाणा का एकमात्र 100 बेड वाला आधुनिक अस्पताल मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में रिक्त पदों की वजह से मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। बंद कमरे में अल्ट्रासाउंड समेत कई मशीनें धूल खा रही है। सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों के आधे से भी ज्यादा पदस्थ होने पर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। इस अस्पताल में मरीजों की खासी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन मरीजों को मजबूरी में बाहर से दवाई और जांच कराना पड़ता है। सरकारी अस्पताल के हालात से स्वास्थ्य विभाग के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने की जानकारी मुख्यालय को दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का कहना है कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया जा चुका है। एक्सरे के लिए खड़े हूँ, पैर में दर्द है, यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कितने बुजुर्ग है सब जमीन में बैठे हैं, कोई तो बेंच सिस्टम होना चाहिए या फिर इमरजेंसी चल रही है तो उसके बीच में कोई तो ओपीडी का बंदा भी आना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि ओपीडी वालों की इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएँ भी बैठी हैं, कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट तो कर दिया जाए। यहाँ कोई परवाह ही नहीं करता, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है दादरी के हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मैं 7.5 साल से अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए बार बार रो रहा हूँ, फिजिशियन के लिए मैं कह रहा हूँ, ENT के डॉक्टर के लिए मैं कह रहा हूँ, और मैंने कम से कम 20 से 14 दफ़ा बात कर ली इस अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए। एक टेक्नीशियन ही भेजना है, अरे कहीं से ठाके भेजते कुछ दिन के लिए हमें पता तो लग जाए कि मशीन ख़राब है क्या नहीं है। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। दादरी जाल से पार्ट ऑफ हरियाणा हॉस्पिटल में 42 पोस्टें, लेकिन उसके उसमें हमारे सिर्फ 20 या 21 डॉक्टर ही यहाँ पे, बाकी पोस्टें खाली हैं। अल्ट्रासाउंड का कोई भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है, और अल्ट्रासाउंड PNDT के अंडर आता है, जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वही अल्ट्रासाउंड कर सकता है। तो बगैर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के किसी रेडियोलॉजिस्ट के हम अल्ट्रासाउंड मशीन को नहीं खोल सकते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन उसके नाम से रजिस्टर्ड होती है। तो इसलिए हम अल्ट्रासाउंड की जो हमारी सेवाएँ हैं बाधित पड़ी हैं, क्योंकि पिछले कई